प्रदेश में हुए खाद्य घोटाले को लेकर पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि सरकार सिर्फ कांग्रेस की आलोचना कर रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार को खाद्य घोटालों की पहले जांच करवा ले, उसके बाद कांग्रेस पर आरोप लगाए। हरीश रावत ने कहा कि सरकार चाहे तो 2007 से लगाकर सभी घोटालों की जांच करवा ले और सारा सच सामने आ जाएगा। मतलब 50 रुपया क्विंटल जब अदरी बिक रही थी तब तो लूट हो रही थी, और जब 150 रुपया क्विंटल बदरी बिक रही है तब सदाचार हो रहा है। तो इसलिए मेरा सुझाव है कि सारा राज्य इस पर विचार करे, हाई कोर्ट के एक बेंच बना दी जाए, अनुरोध करे राज्य विधानसभा, और 2007 से लेकर के 2017 तक के जितने घोटाले हैं उन सारे घोटालों की जांच और भविष्य में भी जो घोटाले सामने आए उनकी जांच हाईकोर्ट को सौंप दी जाए। वहीं पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि सरकार काम न करके सिर्फ मुद्दों को भटकाने का काम कर रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए नैनीताल से भूपेंद्र रावत की रिपोर्ट।